भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में टाइगरों का कुनबा बढ़ गया है। देश भर में चर्चित रही मध्य प्रदेश की बाघिन सुंदरी कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला से वन विहार लाई गई है। इसे मिलाकर अब यहां टाइगरों की कुल संख्या 14 हो गई है। इनमें 7 आदमखोर भी हैं। अब सुंदरी वन विहार में उम्र भर रहेगी। कान्हा नेशनल पार्क की रानी रही सुंदरी बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 2 बजे वन विहार नेशनल पार्क पहुंच गई। 439 किलोमीटर का सफर 12 घंटे में तय करके भोपाल पहुंची बाघिन सुंदरी अभी तनाव में है। उसे गुरुवार सुबह 9 किलो मीट दिया गया था, लेकिन शाम 6 बजे तक उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, केवल पानी पिया। भोपाल में उसे 1000 स्क्वायर मीटर के बाड़े में जिंदगी गुजारनी है। वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि नए वातावरण में ढलने में उसे अभी वक्त लगेगा। सुंदरी को 5 साल की उम्र में 29 जून 2018 में उड़ीसा भेजा था। यहाँ उसके साथ गए बाघ महावीर का शिकार हो गया। वहीं सुंदरी को चिड़ियाघर भेज दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप के बाद मार्च 2021 में सुंदरी वापस कान्हा नेशनल पार्क लौटी, लेकिन 1 साल बाद भी शिकार नहीं सीख पाने और इंसानों के करीब जाने की वजह से उसे वन विहार भेजा गया है। बाघिन सुंदरी कान्हा से लंबी यात्रा करने के बाद वन विहार आई है, इस कारण वह थकी हुई लग रही है। फिलहाल वह एक बाड़े में एकांत में बैठी है। उसका स्वास्थ्य परीक्षण वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने किया। बाघिन को 21 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इसके बाद डॉक्टर आगामी निर्णय लेंगे। वन विहार के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ए के जैन ने बताया, बाघिन को थोड़े थोड़े समय के लिए क्रॉल में छोड़ा गया है, जहां उसने सामान्य रूप से चहलकदमी की है। उसकी अन्य गतिविधियां भी सामान्य हो रही हैं। वह नए वातावरण में स्वयं को ढालने का प्रयास कर रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।